हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंशूज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पालक और चीज के समोसे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो पसंद आते ही हैं और बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर देखा जाता है बच्चे पालक नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप उनको ये समोसे बनाकर देंगे तो आई एम श्योर उनको जरूर पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं पालक और चीज के समोसे बनाने के लिए। पालक और चीज के समोसे बनाने के लिए ये पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके स्टेम्स तोड़ ली हैं और अभी हमें इसको बारीक बारीक चॉप करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है। अभी चॉप्ड करने के बाद इसको मैंने गैस पर बॉईल कर लिया है पानी में। इसको 1 मिनट तक ही बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। पालक बॉईल्ड हो रहा है तब तक हम लोग समोसे के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 कप मैदा ली है। वन टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें और 2 कप मैदा लिया है, तो 1/2 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। इससे हमारे समोसे क्रिस्पी बनेंगे और जैसे रोटी का डो बनाते हैं वैसा ही डो हमें बना लेना है। ये हमारी इतनी मुट्ठी बन जाए ऐसा ही हमें करके देखना है। इसका मतलब हमारा जो तेल है, मोहन है, वो एकदम परफेक्ट है। और हमें पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि ज़्यादा पानी से आटा पतला हो जाएगा। ये देखिए, हमारा सॉफ्ट डो बनके रेडी हो गया है और उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट के लिए रख देंगे। अब समोसे की स्टफिंग के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है नमक, चीज क्यूब, कॉर्न और ये ऑर्गेनो लिया है मैंने, ये चिली फ्लेक्स है और ये पालक है जो हमने बॉइल्ड किया है। लेकिन यूज़ करने से पहले हमें इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमें इस तरह से निचोड़ कर निकाल देना है। ये देखिए, अब समोसे के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। उसके लिए ये मैंने फ्राइंग पैन रखा है गैस पर और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने बटर डाला है। इसको गर्म होने देते हैं। अभी ये बटर गर्म हो गया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑर्गेनो डाला है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। और अभी जो हमारा पालक है उसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अभी मैंने इसमें ये कॉर्न भी डाल दिया है। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी स्टफिंग डाल सकते हैं लेकिन पालक और कॉर्न का अलग ही मज़ा है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे आप और पालक थोड़ा है तो नमक ध्यान से डालेंगे और इसको 1 मिनट तक हम अच्छे से चलाएंगे जिससे कि सब हमारा ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स का जो फ्लेवर है सब पालक में अच्छे से आ जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पालक और चीज़ के समोसे बना रहे हैं तो चीज़ हम इसमें ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी कर देंगे तो पूरा चीज़ मेल्ट हो सकता है। ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो गया है और इसको ठंडा होने के लिए हम लोग रख देंगे। ये पालक और कॉर्न की स्टफिंग अभी ठंडी हो गई है तो ये मैंने चीज़ को ग्रेट करके रखा है, इसको अभी इसमें मिक्स कर देंगे। ये
स्टफिंग हमारी एकदम रेडी हो गई है और मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ। ये 15 से 20 मिनट के बाद आटा हमारा एकदम रेडी हो गया है, तो इसको एक बार में और नीट कर लूँगी जिससे कि वो स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब जैसे कि हम मिनी समोसे बना रहे हैं तो हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी गोल गोल लोइयां बना लेनी है और इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे। और अब जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं उस तरह से हमें इसको गोल गोल बेलना है। ये देखिए इस तरह से हमने बेला है इसको और इसमें हमारे दो समोसे बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया है और इसको बीच में से कट कर लिया है और इसका लेयर एकदम पतला रखेंगे और अभी एक साइड से पानी लगा के इसको इस तरह से हमें, ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और अच्छे से इसको दबा देना है जिससे कि हमारी स्टफिंग फ्राई करते समय बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरह से इसका कोन शेप बन गया है और इसके अंदर अभी हमें स्टफिंग डाल लेनी है। स्टफिंग हमें ऊपर तक नहीं भरनी है क्योंकि हमें ऊपर से चिपकाना है तो उतना गैप रखना पड़ेगा। ये देखिए अभी एक साइड से पानी लगाया है मैंने और इसको ऐसे प्रेस करके चिपका देना है, अच्छे से दबा देना है उसको। उसको अच्छे से दबाएंगे ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना निकले। ये हमारा समोसे का शेप कितना अच्छा बन गया है और इसमें और अच्छा डिज़ाइन देने के लिए मैंने ये फोक से उसको डिज़ाइन दे दिया है इस तरह से। और ये देखिए ये हमारा मिनी समोसा रेडी हो गया है और अब इस तरह से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। मैं ये एक बार आपको और दिखा देती हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो समोसे फोल्ड करने में। ये देखिए आप इस तरह से इसको कट करके रख सकते हैं और एक साथ ही समोसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ये समोसे बना लिए हैं। ये देखिए मिनी समोसे कितने अच्छे लग रहे हैं। फोल्ड करते समय आप ध्यान रखेंगे कि इसके फोल्ड को आप अच्छे से दबाकर बंद करेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, मैं चेक कर लेती हूँ तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये तेल गर्म हो गया है, अब समोसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पर समोसे हमें फ्राई नहीं करने हैं नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एकदम लो फ्लेम पर हमें समोसे फ्राई करने हैं।
हमें बीच बीच में समोसों को चलाते रहना है, जिससे कि सब तरफ से हमारे समोसे अच्छे से सिक जाए, क्रिस्पी हो जाए। देखिए समोसे का कलर कितना चेंज हो गया है, कितने अच्छे से सिक गए हैं हमारे समोसे। और अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखिए अच्छे से मैंने फोल्ड बंद किया था, तो थोड़ा भी स्टफिंग बाहर नहीं निकला है। आप भी इसी तरह से कीजिए। समोसे रेडी हो गए हैं, अब मैं तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, वाह कितना चीज़ी लुक आया है इसका, और जब आप खाएंगे इसको तो मज़ा आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना हमारे समोसे कितने टेस्टी और कितने यम्मी बने हैं। तो आप भी ये रेसिपी घर पर ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए कि आपके समोसे कैसे बने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय।